नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 1 नवंबर 2022 से शुरू हुई धान खरीदी का महाअभियान लगातार जारी है। प्रदेश में धान खरीदी का आंकड़ा अब तक के रिकॉर्ड बनाते हुए 107 लाख मीट्रिक टन से पार हो गया है। धान खरीदी का आज 31 जनवरी को आज आखिरी दिन है। अब तक राज्य के 23,39,000 किसानों ने धान विक्रय किया है। धान खरीदी के भुगतान के लिए मार्क फेड के द्वारा अपेक्स बैंक को 22,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। दो आंकड़े हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पूरे देश में जो धान खरीदी है उसमें हम लोग 103 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि देश में सबसे ज़्यादा किसान हमारे यहाँ धान बेचे, वो लगभग 23 लाख किसान अभी तक के धान बेच चुके हैं। जो किसी राज्य में इतने किसानों का धान समर्थन मूल्य में कोई सरकार ने नहीं खरीदा। पंजाब भी सबसे ज़्यादा धान बेचते हैं, वहाँ तो FCI सीधा खरीदती है और वो करीब 7,80,000 है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में कहें तो हमारे आसपास भी कोई राज्य नहीं टिक रहा। ये हमारे पास आंकड़े हैं, ये चार्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये बड़ी उपलब्धि है। कहाँ 14-15 लाख किसान धान बेचते थे, अब 23-24 लाख किसान धान बेच रहे हैं, ये बड़ी बात। अभी MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में लंबे अरसे के बाद कोरोना का फिगर जीरो पर आया है, तो वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अखिलेश जी भी हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब भी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात होगा वो समर्थन में उतर आएंगे। शायद उनको ये लगता है इससे उनका वोट बैंक मजबूत होगा। अभी 10 साल में शायद समझ आई नहीं, आगे आए। मुख्यमंत्री जी सवाल कहीं का करते हैं और आप देखें पढ़ें, जवाब कहीं और का आता है। पूछ रहे हैं खेत की, बता रहे हैं खिरान की। ये कमलनाथ जी की स्थिति, ये प्री मेडिकल एग्जाम में ही फेल हो रहे हैं। वो बोर्ड का एग्जाम जब आएगा, विधानसभा का चुनाव, तब उनकी क्या स्थिति बनेगी, इससे अंदाजा आप कर सकते हो। किसानों का सवाल पूछा और जवाब दे रहे हैं वो जननी एक्सप्रेस का, इससे आप समझ जाएं कमलनाथ जी हमारे बुजुर्गवार नेता हैं, कहीं ना कहीं चूक तो कर ही रहे हैं। राहुल गांधी जी के वचन पत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं कमलनाथ जी ने, जवाब देंगे कहां से। अब सवालों का एक का भी जवाब नहीं दे पा रहे। स्वाभाविक रूप से मोदी जी का और शाह साहब का तो जता नहीं पाएंगे वो, लेकिन ठीक है, किसी ने तो शुरुआत की। पहले पंजाब में कहते थे कि पंजाब की वजह से हो रहा है, अब पंजाब में उनकी सरकार बन गई तो गरीबों पे आ गए, ड्राइवरों पे आ गए। पहले गलियों लगा के अकेले खांसते थे, अब पूरी दिल्ली खांस रही है, लेकिन इलाज कुछ नहीं है। नर्मदा का प्रदूषण आज तक उनने दूर नहीं किया है, यमुना का प्रदूषण आज तक उनने दूर नहीं किया है, यमुना का। लेकिन आप हर बार देखिए कि किस तरह से साइड दे करके वो इस तरह के वो करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आम जन तक पहुंचाए, क्योंकि काफ़ी एक बड़ी कैश ऐप है जो लोगों के लोन देने के नाम पर फंसाते हैं और उसके बाद में उनकी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग टाइप का करते हैं। थाईलैंड से इनके कनेक्शन हैं जहां पर पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है। ये इंस्टेंस लोन ऐप है जो गूगल प्ले पर उपलब्ध रहता है। ये ऐप डाउनलोड होते ही ये निजी जानकारी ले लेते हैं आरोपी लोग,
अभी इसकी एक शिकायत आई थी रंजीत सिंह जी के द्वारा, लोन पूरा चुकाने के बावजूद भी ये उसे थ्रेट कर रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। इसके दो आरोपी संजय नारायण और वैभव पवार की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पूरी रास्ता में राहुल गांधी जी भ्रम ही फैलाते रहे और अंत भी उन्होंने ऐसे ही किया, कहा कश्मीर में बम की धमकी दी गई थी, ग्रेनेड की धमकी दी गई थी। वो भूल गए कि ये दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार। यहाँ आग बरसती थी उनकी सरकार में, हमारे टाइम में बर्फ बरस रही है, शांति है वहाँ पे। तभी तो आपका और भाई बहनों का आदरणीय का बर्फ से खेलते हुए का फोटो आया है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगांव से खबर है। बता दें कि डोंगरगांव में देसी शराब दुकान कर्मचारियों की दबंगई सामने आई है। दरअसल शराब लेने गए युवक को शराब के दुकान के जो कर्मचारी थे उन्होंने दौड़ा दौड़ा कर उसे बेरहमी से पीटा। तो वहीं खबर ये भी है कि शराब कर्मचारियों से कमीशन लेकर ज्यादा मात्रा में शराब देने का भी आरोप लग रहा है। वो शाम 7:30 बजे मदिरा दुकान गया था एक पोवा लेने के लिए, और 7:30 बजे से मैं 7:45 बजे तक खड़ा था वहाँ पे एक क्वार्टर के लिए। वहाँ पे किसी को 10 पोवा किसी को 20 पोवा देते 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 2-3 पेटी मेरे सामने बेचे हैं। उसके बाद मैं बोला मैं क्या बिगाड़ा हूँ, एक पोवा लेने यहाँ इतने देर से खड़ा हूँ करके। तो मेरे को ना एक पोवा पकड़े हैं और फेंक कर गाली बक के ले करके गाली बक के मेरे मुँह में मारे, आँख में बज गए मेरा। किसने मारा आपको? वो सुरेंद्र सिन्हा जी। मैं 27 तारीख को शाम 7:30 बजे मदिरा दुकान गया था। सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत गांव कटिंदा में 27 जनवरी से श्रीराम कथा का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 30 जनवरी को 1 बजे रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 8 गांव के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें गांव पुटपुटरा प्रथम स्थान पर आया, द्वितीय स्थान पर गांव कटिंदा और तृतीय स्थान पर बंघा गांव इस स्थान पर रहा। वहीं जीते हुए प्रतिभागियों को पंचायत प्रतिनिधियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सरगुजा जिले के सीतापुर निवासी आकांक्षा सिंह राजपूत ने रायपुर में आयोजित कंटेस्टेंट में मिसेज छत्तीसगढ़ का चुनाव जीत लिया है। वो मिसेज छत्तीसगढ़ चुनी गई हैं। प्रदेश भर की 30 से ज्यादा युवतियां और महिलाएं इस प्रतिभाग में हिस्सा ले चुकी हैं। सभी प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता के अलग अलग राउंड में प्रस्तुति दी। बता दें आपको कि आकांक्षा सिंह राजपूत मिसेज छत्तीसगढ़ चुनी गई हैं। दंतेवाड़ा में आज एक बार फिर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की महिलाएं जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए लामबंद हुई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने, नर्सरी शिक्षक के पद पर पदोन्नति जैसी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ धरने पर बैठे हैं और इन मांगों को पूरा होने तक तत्काल कलेक्टर दर पर भुगतान देने की बात भी कह रहे हैं। शुरू से हमारा जो मांग है आज तक अभी तक पूरा नहीं हुआ हमारे। मैहर जनपद की ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार से पूरा महकमा वाकिफ है। गांव पंचायतों में भ्रष्टाचार की वजह से लोग सरकार से नाखुश हो जाते हैं और इन भ्रष्टाचारियों के कारण ही प्रदेश सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसा ही एक मामला मैहर जनपद के ग्राम पंचायत सारंग का है, जहां सरपंच के द्वारा मैहर SDM और जनपद CEO को शिकायत सौंप कर अपनी ही पंचायत
सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए गए हैं। बस्तर से खबर है, बता दें कि राज्य भर के नगरीय निकाय क्षेत्रों में सेवा दे रहे सफाई कर्मचारियों को कलेक्टर दर अनुसार न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा। दरअसल प्रदेश में सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में सेवारत कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतनमान और अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है, जिसे राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के द्वारा जमीनी स्तर पर लागू करने और कर्मचारियों को इसका लाभ मिले इसकी निगरानी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान नहीं मिल रहा है, जिससे तंग आकर सफाई कर्मचारियों ने जनसभा में हड़ताल की चेतावनी दी है। आज नगर पालिका निगम के अंतर्गत हमने ज्ञापन दिया है, उस विषय पे जानकारी दे रहा हूँ। नगर निगम के अंतर्गत जो कचरा फेंका जा रहा है शहर के अंदर, वो कचरा को रोज़ उठाया जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारी रोज़ उठाते हैं सवेरे, लेकिन शाम को वही हालत होती है कचरों की। जो कचरा सफाई कर्मचारी को मेन काम करते हैं जरूर है, लेकिन यहाँ सफाई ज़्यादा मेन कचरों के ऊपर ज़्यादा डाला जा रहा है, शाम को फिर वही कचरा डाला जा रहा है। लेकिन ये सफाई कर्मचारी बहुत मेहनत करते हैं, उनके बाद उनको तनख्वाह भी नहीं दी जा रही सही ढंग से और तनख्वाह भी कम दी जा रही। यहाँ पर शहरों की सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। नगर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से खबर है, बता दें कि देर रात मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। इस चोरी में उपयोग की गई संदिग्ध दो बाइक और एक लोहे की रॉड जब्त कर ली गई है। दरअसल अज्ञात चार चोरों ने एक लोहे के रॉड से दुकान में लगे शटर को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं चौकीदार को उक्त लड़कों की हरकत संदिग्ध लगने पर चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी। बाद में पता चला कि एक दुकान का शटर खुला हुआ है, जहां दुकान संचालक को जानकारी दी गई कि उसकी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अच्छा, अभी का हो इसे? माने मैं झेली बिना दिन जात रहे हो रहा ऐसे है। चारों आदमी एमल ऐसे जात रही से। कते उम्र के रही सोई? वही तो अब 18 होई, 18 साल। का रखे रही? कुछ रखे रही? कहां सब बड़ रखे रही भैया दाया हाथ में। दंतेवाड़ा के लौह नगरी बचेली में महार समाज के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में विधायक देवती महेंद्र कर्मा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य छविंद्र कर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब अंबेडकर की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके पश्चात समाज के नवनियुक्त पदाधिकारियों को पगड़ी और रक्षा सूत्र बांध कर शपथ दिलाई गई। इस दौरान विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए समाज हित में कार्य करने के लिए आशीर्वाद दिया है। अगला मामला जिला जांजगीर के थाना नवागढ़ से सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत खड़ताल में कुछ लोगों के द्वारा अवैध शराब की बिक्री की जा रही। अवैध शराब की बिक्री को लेकर महिलाओं में काफी रोष है। जगह जगह शराब की बिक्री से महिलाओं का चलना ग्राम पंचायत खड़ताल में मुश्किल हो गया है। अवैध शराब बेचने वालों को जब ग्रामीणों ने मना किया तो उनसे मारपीट और झूठे केस में फंसा देने की बात करते हुए उनके साथ गाली गलौज की गई, जिसकी शिकायत लेकर सोमवार को जांजगीर पुलिस अधीक्षक कार्यालय भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और गांव में बिक रहे अवैध शराब की हो रही बिक्री पर रोक लगाने की मांग करते हुए आवेदन सौंपा है। ज्ञापन सौंपे कि हमारे गांव में बेजा कब्जा कराते, शराब पीकर थावे, गुंडागर्दी कराते, ये मन जे मेरे पास थे, मेरे जय स्तंभ चौक ला, जय स्तंभ ला गड़िया देते और वो मेरा हमारे हमन भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बनाबो कह के ना कब्जा करा थे, ओकरे लिए आज ज्ञापन सौंपे आए हैं।
ताकि हमारे एसपी साहब हम मदद करें। दारू बेचे पुलिस पुलिस लेते दारू खुल्ला बिका था वह हमारे गांव के माहौल खराब हुआ थे और गुंडागर्दी करा थे लौड़ी धर के घुमा थे हमारे दुकान बंद करे पर कहा थे रात तक घुमा थे कहते दुकान ला बंद कर अब दुकान नहीं खुला है कि भी धमकी देते हैं कि हम अल्लाह गुंडागर्दी में बच्चे बीवी सबको गाली दे रहे घर कर मार रहे हैं कई दिन स्कूल नहीं जाने दे रहे कई दिन भागे गुंडागर्दी से आप ही लोग बताइए ना न्याय चाहिए हम लोगों को। कितने लोग शराब बेच रहे हैं वहाँ पे? बहुत जने हैं 25% सर पुलिस में तो खुद मिले कई बार आगे कलेक्टर सर आगे हम लोरमी से खबर है। बता दें कि प्रदेश के लोक निर्माण और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने एक दिवसीय प्रवास पर मुंगेली जिले के प्रवास पर पहुंचे जहां वे मुंगेली के कोदवा बानी और लोरमी के फुलवारी एफ में चल रहे मां राजिम जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अपग्रेड किए हैं पूरे प्रदेश में सब परिस्थितियों के नज़र रख करके सब इस प्रकार की सुविधाएं की जाती हैं। चिल्पी का चौकी से थाना में उन्नयन होने से निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के इस अंचल के रहने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी क्योंकि यहाँ थाना है तो एक दबाव बना रहेगा क्राइम नहीं हो पाएगा या कम हो पाएगा तो जनता को इसको काफ़ी। विदिशा से खबर है। बता दें कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत विदिशा जिले में 3 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम के परिपेक्ष में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के द्वारा आज न्यू कलेक्ट्रेट के महत्व सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अपने जो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं को आज यहाँ पर आमंत्रित किया था उसका उद्देश्य ये था कि 3 फरवरी 2023 को नई कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में हमारा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का जो हमारे लाभार्थी हैं जो हितग्राही हैं उनको स्वीकृति पत्र का वितरण है इसका एक शासकीय कार्यक्रम है इसमें। अगली खबर जिला बस्तर से है। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक बड़ी कार्रवाई की है और एक मोस्ट वांटेड महिला नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार महिला नक्सली का नाम मड़कम होंगी है जो काफी लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय थी और कई बड़ी नक्सल वारदातों में भी शामिल रह चुकी है। जिला बीजापुर के तर्रेम थाना क्षेत्र अंतर्गत टेकलगुड़ा मुठभेड़ में 4 माओवादियों को मार गिराए गए थे। उस मुठभेड़ में अनफॉर्चुनेटली हमारा भी 22 जवानों का शहादत हुआ। इस प्रकरण के विवेचना वर्तमान में एनआईए द्वारा की जा रही है। कल दिनांक को एनआईए द्वारा इस प्रकरण में मड़कम उंगी करके एक महिला माओवादियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इसके पूर्व में 3 और माओवादियों को इस प्रकरण में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। ज्ञात हुआ टोटल अभी तक 4 माओवादियों के एनआईए द्वारा इस प्रकरण में गिरफ्तार की गई थे। 2021 में जिला बीजापुर के मंदसौर जिले में रविवार और सोमवार के दरमियानी रात में बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि से अन्नदाता किसानों की फसलें तबाह हो गईं, जिससे किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हैं। सरकार से किसानों ने सर्वे कर मुआवजे की मांग की है। वहीं क्षेत्र के पटवारी और तहसीलदार के द्वारा बेमौसम बारिश से प्रभावित खेतों पर जाकर फसलों की नुकसानी का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। को पूरी तरह से पता है कि 29 तारीख की रात्रि से क्षेत्र में वर्षा हो रही है, कई स्थानों पर ओलावृष्टि की भी सूचना है। हमने पूरे राजस्व अमले को सतर्क कर दिया है और हमारे जो पटवारी से लेके और अनुभागीय अधिकारी तक के ऑफिसर्स हैं ये फील्ड में उतर गए हैं और इस बात का असेसमेंट कर रहे हैं कि कहाँ कितना नुकसान है। और जैसे कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं कि किसी भी किसान को अगर फसल क्षति हुई होगी तो नियमों के प्रावधान में हम राहत देने की कार्रवाई करेंगे। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि इस तरह के सर्वे में चूँकि अभी बारिश हो भी रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, तो थोड़ा बहुत समय लगता है
और कई बार क्या होता है कि इस तरह की चीज़ों को लेके राहत की मांग को लेके कतिपय प्रतिनिधि कतिपय कुछ लोग जो है धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं, तो वो अगर अभी जैसे तुरंत नहीं करते हैं तो हमको चूंकि अंबिकापुर से खबर है, बता दें कि चेक डैम और सोख्ता गड्ढे का निर्माण कराया गया, लेकिन पिछले एक साल से गड्ढे की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जिसे लेकर कई बार ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं, फिर भी वन विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंग रही, जिसे देखते हुए आज ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ये एक उदयपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत केदमा सर्किल पड़ता है, जहाँ डिप्टी रेंजर बैठता है, और उस क्षेत्र के बड़े गांव बीट में सितुंग नाला के आसपास जो वन परिसर है उसमें सोख्ता गड्ढे की खुदाई का काम हुआ था। करीबन 1 जनवरी 2022 को यह काम शुरू हुआ था, और इसके अलावा चेक डैम का भी निर्माण हुआ था। वन विभाग जो काम किया है उसका काम नहीं हो रहा है अभी तक, और बोलने से धमकी देते हैं, अगर आगे बढ़ोगे फिर वापस आओगे तो फिर मेरे पास आओगे तो फिर लात मारेंगे। कितने लोगों की मजदूरी अभी तक नहीं मिली? अभी कम से कम 70-80 लोगों का बाकी है। लगभग कितना पैसा होगा? कम से कम 2-2.5 लाख से ऊपर है। इसकी शिकायत पहले आप लोगों ने की है? पहले नहीं किया है। ये उदयपुर ब्लॉक के कुछ ग्रामवासी आए हुए थे, इनका ये था कि जनवरी 2022 में निर्माण कार्य हुआ था वन विभाग के द्वारा, उनका मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इस संबंध में पूरे ग्रामवासी आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है और वन विभाग से इसकी जानकारी लेंगे, और काम अगर हुआ है भुगतान अभी तक नहीं हुआ है तो उसके भुगतान की कार्रवाई के लिए वन विभाग को कहा जाएगा। जो अब ये मामले का जाँच करवाएंगे और जाँच के बाद जो भी पाया जाएगा नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। एमपी के डिंडोरी से खबर है, बता दें कि ग्राम सभा में नशा मुक्त ग्राम पंचायत रखने का निर्णय लिया गया, इस दौरान शराब बेचने और पीने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी तय किया गया है। आज से शराब बंद, तो उसको दंड दिया जाएगा सर, और जरिमाना भी लेंगे। किस चीज का जुर्माना लेंगी आप? वो दारू बनाते पकड़ा गया या दारू बेचते पीते, उसमें दंडित दिया जाएगा और ग्राम पंचायत से उसकी कार्रवाई करेंगे। क्या है, मुझे आज इतनी अपने आप में गर्व महसूस हो रही है कि मैं इतनी अच्छी ग्राम पंचायत का एक सरपंच बना हूँ, कि अपने यहाँ जो महिलाएं पुरुष अच्छा ग्राम सभा में भाग लेकर के और नशे के प्रति अच्छे से अच्छे अपना एकता बना करके और हमारे ग्राम को नशा मुक्त करेंगे करके बहुत अच्छे से भाग लिए हैं, और सभी ने आज मिलकर के शपथ लिए, इसलिए मुझे अपने आप में एक शिवपुरी जिला कांग्रेस के नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर शिवपुरी में भी कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली। इस अवसर पर कांग्रेस के नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जगह जगह स्वागत भी किया गया। जिला कांग्रेस के तत्वावधान में पूरे जिले से आए हुए कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, क्योंकि आज हमारे नेता, जग जग के नेता, पूरे देश के नेता राहुल गांधी की कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा आज कश्मीर में पूरी हुई। सफल यात्रा के लिए खुशी जाहिर करने के लिए आज जिला कांग्रेस के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई है। अध्यक्ष बनाया गया है, नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है, महसूस कर रहे हैं आप? ये तो कि मुझे अंदाज ही नहीं था कि कांग्रेस को लोग इतना चाहते हैं मुझे अध्यक्ष बनाकर।
भोपाल से खबर है, बता दें कि शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में वर्ष का एक दिन चुनकर उसे गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इसी के चलते स्थानीय नगर पालिका परिषद बैरसिया ने भी सोमवार 30 जनवरी को मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष तनुश्री कुलदीप सिंह राठौड़ आदि ने नगर में गौरव दिवस मनाया है।